नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश में गुर्जर समुदाय की मांगों के बीच अब मीणा और मीना विवाद खड़ा हो गया है और इन सबके बीच सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन इस मामलात को लेकर सियासी हलचले तब तेज हो गई जब पायलट कैंप के विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले विस्तार से समझिए। राजस्थान की सियासत में गुर्जर समुदाय के बाद अब मीणा मीना विवाद गर्माता नजर आ रहा है। वैसे तो राजस्थान में मीना और मीणा विवाद कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन एक बार फिर इस विवाद को हवा तब मिल गई जब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में कंपनी प्रोसिक्यूटर के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में केवल मीना सरनेम वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जनजाति मानने के प्रावधान से विवाद खड़ा हो गया है। एक बार फिर मीना या मीणा को लेकर विवाद खड़ा होने से सूबे की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और बड़ी बात यह है कि इस मामलात को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस विवाद पर कहा कि जैसे पानी और पानी पर कोई फर्क नहीं है, वैसे ही मीना और मीणा में भी कोई फर्क नहीं है। साथ ही किरोड़ी लाल ने सूबे की सरकार पर कोरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस बाबत केंद्र को पत्र लिखना चाहिए। मीणा और मीना राजस्थानी देश भर की एक ही भाषा है, पानी और पानी में कोई फर्क नहीं, आडवाणी और आडवाणी में कोई फर्क नहीं, आडवाणी हिंदी में इंग्लिश में आडवाणी हो जाएगा, वैसे मीणा मीणा है। लेकिन मैंने ये संसद में उठाया था 2019 में, और 2019 में ही जनजाति मंत्रालय का मंत्री जी का पत्र आया था कि राज्य सरकार ने संशोधन हेतु कोई पत्र आज तक हमारे पास नहीं भेजा, जबकि आज मुख्यमंत्री का मैंने बयान पढ़ा कि उन्होंने 2018 में भेज दिया। मेरे पास 2019 का जवाब है कि राज्य सरकार का मीणा मीणा विवाद पर कोई संशोधन हेतु पत्र आज तक भारत सरकार को नहीं मिला। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि कोरी राजनीति नहीं करें, आप केंद्र को पत्र भेजें ताकि हम आगे इसको संशोधन कराने में कुछ कार्रवाई करा सकें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में एक के बाद एक 5 ट्वीट करके इस मुद्दे पर किसी भी तरह का विवाद होने से इनकार किया है। गहलोत ने हाईकोर्ट में पेश जवाब का हवाला देते हुए मीना और मीणा को एक ही जाति बताया और इनमें केवल सरनेम की स्पेलिंग का अंतर होने की बात कही है। लेकिन अब इस मामले पर सियासत इतनी तेज हो गई है कि पायलट कैंप के विधायक इस मामलात के स्थायी समाधान को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात करने पहुंच गए। विधायक मुरारी लाल मीणा, पीआर मीणा और रामकेश मीणा ने मीणा और मीना विवाद के स्थायी समाधान को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा। बहरहाल अब यह देखना होगा कि लंबे अरसे से चली आ रही इस गफलत को दूर करने के लिए सूबे की गहलोत सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि सूबे में इस मामलात को लेकर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की जो मीणा और मीना विवाद है वो इन दिनों राजस्थान के सियासी हलचलों में सुर्खियों में है। लिहाजा अब तमाम विधायकों की और नेताओं की सरकार से ये मांग है कि जो मीणा और मीना विवाद है इसे स्थायी तौर पर खत्म कर दिया जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि गहलोत सरकार इस मामलात को लेकर क्या कदम उठाती है। नमस्कार।